ईश्वरधाम सरकार ने दमोह में चल रही रामकथा में शामिल होने आए 250 लोगों को सनातन धर्म में लौटवाया। कार्यक्रम के दौरान मिशनरियों का शिकार लोगों ने बताया कि उन्हें कैसे कैसे लालच देकर ईसाई बनाया गया था। सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे, परंतु भूल कर भी अन्य धर्म में नहीं जाएंगे। हम शपथ खाते हैं श्री हनुमान जी महाराज, रविदास महाराज, मीराबाई, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, जागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी, इनके चरणों की सौगंध खाते हैं। हम भूलकर कभी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। अब आप लोग जो गए थे वो कहो हमसे जो भूल हुई है दूसरे धर्म में जाने। सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और अपने अंदाज में कहा कि आज हम एक बड़ा विफट करवा कर आए हैं। सनातन धर्म में घर वापसी के दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने पीड़ितों से पूछा कि उन्हें किस तरह का लालच देकर हिंदू धर्म छुड़वाया गया। इस पर एक युवक जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता को कहा गया था कि तुम्हारे बच्चे के पैर का इलाज करवा देंगे, हालांकि दवाई एक रुपए की भी नहीं हुई। उल्टा उन्हें कहा गया कि घर में चाहे कोई मर जाए लेकिन रविवार को चर्च जरूर आना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा कि अगर आप लोग लालच में न आते तो ये दिन ही नहीं आता। यदि आप भगवान की शरण में जाओगे, हनुमान जी को ध्याओगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।